Today, I am delivering a lecture on hay making under feed stuff for BSc AG 3rd SEM Unit 4th, subject livestock and poultry management. Contents. हम इन बिंदुओं पर आप लोगों को बताएंगे हे क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उसके हानियां क्या हैं, हे मेकिंग के प्रिंसिपल सिद्धांत क्या हैं, सुटेबल टाइम जो है हे मेकिंग का क्या है, सुबह मेथड्स ऑफ हे मेकिंग क्या है, फीडिंग वैल्यू ऑफ नॉर्मल हे क्या है, केमिकल चेंजेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग ड्राइंग, स्टोरेज ऑफ हे एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हे, इस कंटेंट पर हम आपको बताने जा रहे हैं. व्हाट इज हे? द फोरेज लाइक ग्रासेस एंड लेग्यूम्स दैट हैव बीन कट एंड देन ड्राइड अंडर सनलाइट. इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ फोरेजेस. हे मेकिंग इज प्रिफर्ड मोड ऑफ कंजर्विंग द फूड ऑफ ऑल ग्रीन फोरेजेस. ये आपका हे है. इसके लाभ क्या है, एडवांटेजेस. इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर. जब फॉडर की कमी हो जाती है तो हम हे बनाकर उसकी पूर्ति करते हैं. जैसे बरसात के समय में हरा चारा नहीं होता है तो उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं. द चांसेस ऑफ स्पॉयलर्स विल बी लेस देन द साइलेस एंड इट रिक्वायर लेस स्पेस फॉर इट्स स्टोरेज. इसके ये एडवांटेज हैं. डिसएडवांटेज क्या हैं? पहला, इट आल्सो रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ टाइम एंड एक्स्ट्रा लेबर. दूसरा, ड्यूरिंग हे मेकिंग प्रोसेस 10-15% लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर. थर्ड, हे मेकिंग इज डन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अदर. If sunlight not available, it difficult the hay making processes. Hay making के सिद्धांत क्या है, principle of hay making. First, drawing maximize green color and palatability. Second, the rapid drying is more suitable for hay making as it minimizes the microbial growth and the basis principle is to reduce moisture content in order to inhibit the action of microbial enzymes and other. In order to store green crops in a stack, the moisture content should be reduced to 15-20%. इसके सिद्धांत हैं थे. Next, suitable time for hay making. For leguminous fodder, harvesting is done at the start of flowering. फसलों का जो जब फसलों में फूल आते हैं उस समय इसका बेस्ट कटाई का समय होता है. यदि उस समय हम काट लेते हैं और हे के लिए हम तैयार करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है. Grasses should be harvested for hay making when there is
emergence of heads. At this stage, there are maximum nutrients and green matter. उस समय जो है जब हम काट लेते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पोषक तत्व और वह जो है हमेशा ग्रीन के रूप में बना रहता है. मार्च एंड अप्रैल आर बेस्ट सीजन फॉर हे मेकिंग फॉर द लेगुमनस फोडर. दलहनी जो हमारे चारे हैं उनके लिए मार्च और अप्रैल का महीना बहुत ही सर्वोत्तम होता है हे मेकिंग के लिए. एंड फॉर ग्रॉसेस आफ्टर रेनी सीजन. सुटेबल टाइम फॉर हे मेकिंग का दूसरा बिंदु, इन केस ऑफ लेगुमिनस फोडर लूसर्न एंड ओट इज बेस्ट फॉर मेकिंग ऑफ हे एंड मे बी बरसीम. जितने भी हमारे हरे चारे हैं उसमें जो है लूसर्न और ओट बरसीम के साथ साथ इसका जो है हे मेकिंग बहुत अच्छा इसको हम बना सकते हैं. इन केस ऑफ ग्रॉसेस लाइक सुडान ग्रॉसेस एंड सदाबहार. अब सुडान घास का भी हम ये जो है हे मेकिंग में यूज कर सकते हैं. तो ये घासें रहीं और यह हे मेकिंग के सुटेबल टाइम रहे. मेथड्स ऑफ हे मेकिंग, देयर आर टू मेथड्स ऑफ हे मेकिंग. फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड्स एंड सेकेंड न्यू मैकेनाइज्ड टेक्निक. इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स. तमाम इसके जो है बनाने के जो है स्टेप्स हैं. पहला स्टेप्स है मूविंग, दूसरा है टेडिंग, तीसरा है रैकिंग और चौथा है बॉलिंग. फीडिंग वैल्यू ऑफ नॉर्मल हे. डाइजेस्टिबिलिटी परसेंटेज एज में पहला ड्राई मैटर 60%, प्रोटीन 67%, क्रूड फाइबर 41%, ईथर स्ट्रैक्ट 25%, नाइट्रोजन फ्री स्ट्रैक्ट 72%. इसका फीडिंग वैल्यू है हे का. तो हम किसी भी ग्रॉसेस चाहे वो बरसीम हो, लूसर्न हो, ओट हो, हम इसका जब बनाते हैं तो ये डाइजेस्टिबिलिटी परसेंटेजेज में ये बिंदु जो ड्राई मैटर, प्रोटीन, क्रूड फाइबर, ईथर स्टैक्स, नाइट्रोजन फ्री स्टैक्स ये नॉर्मली हे में पाए जाते हैं. केमिकल चेंजेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग ड्राइंग. इसमें तमाम जो है रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन के समय इसमें उस समय लॉसेस सुखाने में जो प्रक्रिया होती है. तो ये फर्स्ट है बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में ए क्योर इन द फोरेजेस दैट हैज बीन लेड इन द फील्ड. सेकेंड, इट मे लीड टू प्रोडक्शन ऑफ एस्टिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड्स. थर्ड, मोल्डी हे इज अनपेलेटेबल एंड हार्मफुल. नेक्स्ट, इट मे हेड लेड टू प्रोडक्शन ऑफ माइकोटॉक्सिन एंड द प्रोविटामिन एंड कैरोटीन मे बी रिड्यूस फ्रॉम 150 टू 200 मिलीग्राम पर केजी इन द ड्राई मैटर्स. स्टोरेज ऑफ हे कैन बी स्टोर्ड अंडर ए रूफ व्हेन रिसोर्सेस परमिट एंड इट इज frequently kept inside sheds and may be stacked inside a bale.
एंड अदर हे नेवर एक्सपोज टू एनी पॉसिबल सोर्सेस ऑफ हीट बिकॉज ड्राई हे एंड द डस्ट इट प्रोड्यूसेस आर हाईली फ्लेमेबल. करैक्टरिस्टिक ऑफ गुड हे, जब हम हे बनाते हैं तो उसके अच्छे जो हे के क्या लक्षण होने चाहिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लेस देन 15%. यदि अच्छा हे है तो उसमें 15% से कम जो है आर्द्रता होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए. मोर लीफी एंड ग्रीन, ज़्यादा ज़्यादा इसमें पत्तियाँ और हरी पत्तियाँ होनी चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट एंड मोल्ड, मोल्ड और धूल से ये जो है फ्री होना चाहिए. इट शुड बी ईजली पेलेटेबल और ये स्वादिष्ट होना चाहिए. इट शुड बी लेस एक्सपेंसिव, मतलब ज़्यादा खर्चीला नहीं होने चाहिए. इसके ये जो गुड हे के ये लक्षण हैं. तो हे जो है मेकिंग का ये जो कैसे बनाया जाता है और उसके लक्षण क्या हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, इस व्याख्यान में हमने बताया. और किसी भी घास की, किसी भी फसल की हे बनाकर हम उस समय इसका प्रयोग कर सकते हैं जब पशुओं के लिए हरा चारा नहीं होता है, तो हम हे का इस्तेमाल करते हैं. और इसमें जिस तरह से हरे चारे में, चाहे वो बरसीम का हो, चाहे लूसर्न का हो, चाहे लोबिया का हो, चाहे ओट का हो, जितने भी पोषक तत्व उसमें विद्यमान होते हैं, तो हमारे हे में भी उतने ही पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, जिससे पशुपालन में जो हमारे दूध का उत्पादन है, जो उनका स्वास्थ्य है, जो बच्चे वृद्धि कर रहे हैं, चाहे वो कैटल हों, चाहे बफेलो हों, चाहे सीप हों, उनको जो है हम हे बनाकर खिला सकते हैं और हमारा पशुपालन स्ट्रांग हो सकता है. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.